इधर देखो, ऐसे करो, हाय, ऐसे हाय कर दो। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुरेज। तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और टेम्परेचर हो रहा है 17 डिग्री, तो इसलिए हमने क्या हुडी पहन ली क्योंकि रात को इतनी ज्यादा ठंड लगी नहीं, बट अर्ली मॉर्निंग जैसे 3-4 AM के अराउंड ठंड लगना चालू हुई थी और नींद भी यार काफी अच्छी आ गई रात को क्योंकि लास्ट 2 नाइट से हम सोए नहीं थे, एयरपोर्ट पे भी हम सोए नहीं थे। अब यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने जो टेंट वगैरह किए थे तो हमारा ब्रेकफास्ट यहीं से है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो अभी हमने उनको बोल दिया है प्रिपरेशन के लिए क्योंकि हमारे को 15-20 मिनट्स में यहाँ से तुलेल विलेज के लिए निकलना है। तो तुलेल विलेज क्या है, इंडिया का लास्ट विलेज है, तो ये बॉर्डर विलेजेस में आते हैं जो कि पीओके एकदम नियरेस्ट है। तो अभी हमारा प्लान बस यहाँ से फिर वाइंड अप करके वहीं जाने का है, तो एक बार मैं यहाँ का थोड़ा आपको कैंप साइट वगैरह दिखा देता हूँ जहाँ हम कल रात को रुके थे। तो यार मतलब इतनी सही सीनिक ब्यूटी आ रही है ना कैंप साइट के जस्ट पास में रिवर है। कल रात को वैसे प्लान तो हमारा क्या है, मैंने जैसे बताया था कि अब्बा खातून पीक जाने का है, बट हमारे को क्या 5 ही बज गई थी और हमारे जो ड्राइवर भैया है परवेज भैया, उन्होंने जो भी हमारे लगेज वगैरह है वो सब ऊपर तिरपाल वगैरह से बंद कर दिए थे और फिर हम भी क्या थके हुए थे तो हमने सोचा कि यार रेस्ट कर ही लेते हैं एक बार। तो बस वही था कि अब्बा खातून पीक जाने का प्लान था हमारा वैसे, तो हमने सोचा कि यार अर्ली मॉर्निंग ही कवर कर लेंगे जब तुलेल जाएंगे, तो उसी रास्ते में अगर टाइम मिला तो कवर कर लेंगे, बाकी तो फिर सीधे श्रीनगर, आज से हमारा श्रीनगर ही रहने वाला है। तो अभी यार ब्रेकफास्ट में हमारे को ऑमलेट और चाय मिली है, तो अभी ये करते हैं यार फिनिश, फिर उसके बाद सीधे निकलेंगे क्योंकि रेडी हम सब हो चुके हैं। तो यार अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, अब सीधे निकल रहे हैं कैंप से, हमने हमारे सारे सामान निकाल लिए लगेज वगैरह जो भी है और अब सीधे निकलते हैं तुलेल विलेज की तरफ। तो हमारी जो कुक थे हमारे कैंप साइट के ओनर, उन्होंने बताया कि अराउंड यार 5-6 आवर लगेंगे, मतलब अलग अलग जगह है, वहाँ पे शेखपुरा है, अनारकोटी है, वो सब देखते हैं, वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं कैसा क्या रहेगा। तो निकलते हैं फटाफट, अभी टाइम ऐसे हो रहे हैं 6:45, प्लान था हमारा 6 AM के अराउंड निकलने का, बट थोड़ा डिले हो ही जाता है। तो अभी हम यार डावर से तुलेल की साइड आ रहे थे, तो अभी तुलेल तो पहुंच चुके हैं, अराउंड 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो अभी तुलेल से यहाँ एक शेखपुरा करके जगह है तो हम वहां जाएंगे, वो अराउंड 2 किलोमीटर और बची है, बाकी रास्ता यार काफी ऑफ रोड है, मतलब अगर 4x4 होना तो ही प्रीफेर है, जैसे हमारी क्या शिफ्ट डिजायर थी तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी भी आने में, बाकी तो अर्ली मॉर्निंग आ गई इसलिए कोई टूरिस्ट दिखा नहीं, मतलब हमारी कार के अलावा हमारे को कोई दूसरी कार दिखी ही नहीं, बाकी रास्ता बहुत खूबसूरत है, यहाँ किशन गंगा बह रही है और बाकी तो अभी शेखपुरा जाके देखते हैं, वहाँ और भी ज्यादा सुंदर है यहाँ से, तो इसके बाद वहीं जाते हैं, 1-2 किलोमीटर है तो अराउंड 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपका नाम बता दो, ऐसे हाय कर दो, हाय कर दो इसमें, देखो इधर, हाय कर दो इसमें।
अभी हम यार शेखपुर में आए थे तो यहाँ पे एक मदरसा था, तो हमने सोचा कि यार मदरसे में जो बच्चे थे यहाँ के उनको हमने टॉफी जो हमने ली थी वो हमने सबको दी, तो अच्छा लगा यार काफी। ये सब अपनी क्लासेस वगैरह ले रहे थे, उनका कंप्लीट उर्दू में चलता है जो भी होता है। और मैंने पूछा कि क्या कब तक इनकी रहती है क्लासेस, तो उन्होंने बोला कि मदरसे में 24 घंटे रहते हैं और जैसे दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो जैसे हिंदुओं में गुरुकुल कल्चर होता है वैसे ही यहाँ पे मदरसे का कल्चर होता है। बस इस वैली में तो इतना ही था सच। अब सीधे यार श्रीनगर निकलेंगे क्योंकि एक्चुअली आज 14 अगस्त है और 15 अगस्त है तो ये थोड़ा सेंसिटिव रहता है इस टाइम पे, तो अब सीधे हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। बाकी मैं अगर आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे अगर आप आना चाहो तो जैसे आप गुरेज आते हो तो गुरेज में किसी से ही पूछ लेना तुलियन विलेज कहाँ पे है। तो तुलियन विलेज से थोड़ा आगे अगर आप आओगे ना 4-5 किलोमीटर ब्रिज क्रॉस करके तो वहाँ पे आपको शेखपुर नाम से विलेज आएगा और एक रास्ता चाकवाली के लिए निकलता है। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शेखपुर में आके देख सकते हो यहाँ पे। एज सच कुछ यहाँ पे स्पेशल है नहीं, बट ये है कि आप लोकल लाइफ देख सकते हो यहाँ पे कैसे क्या है। तो अभी यार मैंने यहाँ किसी लोकल से पूछा तो ये जो फ्लावर्स है ना ये चारों ये इटालियन वीट के फ्लावर्स हैं और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो मतलब स्टमक और हेल्थ के लिए काफी अच्छे रहते हैं, इनकी कुछ मेडिसिन वगैरह बनती होंगी। और ये मेरे पीछे जो ये फील्ड्स हैं ये जो राजमा होता है ना तो उनकी यहाँ पे खेती होती है। और बाकी यार इन्होंने ये भी बताया कि क्या पूरे साल में ये 4-5 महीने पूरा कट रहता है विलेज, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो जाती है तो ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये लोग वो ये स्टोरेज करके ही रहते हैं सामान वगैरह अपना खाने पीने का, क्योंकि 4-5 महीने कंप्लीट बर्फ से ढक जाता है तो मूवमेंट रुक जाता है चारों तरफ। और इस विलेज की पॉपुलेशन अराउंड 300 समथिंग है। तो बस यही था इस विलेज के बारे में, तो अभी बस निकलते हैं। अभी यार ये मेरे पीछे से इतना यहाँ वैली का कंप्लीट व्यू आ रहा है। अभी क्या हम थोड़ी हाइट पे आ गए थे क्योंकि उत्सव और राहुल है वो कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतर गए थे शॉप पे जूस वगैरह लेने के लिए, तो हम यहाँ उनका वेट कर रहे थे। तो यहाँ वैली का कंप्लीट व्यू आ रहा है क्योंकि थोड़ी हाइट पे है, एक पूरा है ये पूरा दिख रहा है यहाँ से कम्प्लीट। और वैसे ये जो तुलेल है चकवाली ये इंडिया के लास्ट विलेजेस में काउंट होता है, लाइक इट इज वेरी क्लोज टू पीओके। और जैसे अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना जैसे 20-30 किलोमीटर तो पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो आर्मी वाले अलाउड करते नहीं इतना आगे जाने के लिए, तो परमिट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। जगह जगह चेक पॉइंट होते हैं, वहाँ आपको आईडी सबमिट करनी होती है। अभी जैसे हमारी आईडी डिपॉजिट हुई थी यहाँ पे, हमारे को शेखपुर घूमना था इसलिए रिटर्न आते टाइम हमने हमारी आईडी कलेक्ट करी। मैं एक चीज और बताता हूँ कि जैसे अभी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे ना चेक पोस्ट पे, तो हमारी एंट्री आज की जैसे आज 14 अगस्त है तो आज की एंट्री हमारी फर्स्ट थी। और मैंने पूछा कि दिन की कितनी एंट्री हो जाती है आपके, तो इन्होंने बोला कि 35-40 एंट्री होती है पर डे की। और अब ये भी ज्यादा होने लगी, पहले तो ये 15-20 तक ही रहती थी क्योंकि विंटर्स में आपको पता है यहाँ पे पूरा मैंने जैसा कि बताया कि कट ऑफ हो जाता है, तो 35-40 टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ये लोकल्स की तो एंट्री करते ही नहीं है, केवल जो टूरिस्ट होते हैं उन्हीं की एंट्री करते हैं। तो अब देख लो यार कितनी ऑफबीट प्लेस है क्योंकि टूरिस्ट ना बराबर आता है यहाँ पे। नाम बताओ पहले अपना, नाम क्या आपका? इधर देखो ऐसे करो। अभी श्रीनगर की साइड वापस जा रहे थे तो राजदान पास वापस से बीच में आया हमारे, क्योंकि सेम रूट ही था जो रिटर्न आने का था ना। बाकी आर्मी वाले जो कल यहाँ फ्लैग सेरेमनी है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोले कि अभी वीडियो मत बनाओ यहाँ पे। अभी हमारा ऐसा है कि अभी यहाँ से पीर बाबा स्टॉप है, वहाँ थोड़ा लंच का ब्रेक लेंगे। तो यार अभी राजदान पास से हम पीर बाबा के टेम्पल है वहाँ पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे यार काफी अच्छी सीनिक ब्यूटी है, यहाँ पे आई लव गुरेज का बोर्ड भी लगा हुआ है मेरे वहाँ पीछे, तो वहाँ जाके फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा सकते हो अगर आप आना चाहो तो यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे क्या ढाबे वगैरह है, हमारा प्लान तो यहाँ पे लंच करने का ही है क्योंकि राजदान पास पे इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो अभी यहाँ लंच वगैरह करेंगे, थोड़ा आधा घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, देन फिर हम निकलेंगे सीधे श्रीनगर के लिए। तो
अभी हम क्या पीर बाबा के मंदिर के अंदर जाकर आए थे, दर्शन करके आए थे, तो वहाँ पे उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि उनको कैसे क्या मान्यता प्राप्त हुई। तो उनका एक्चुअली ओरिजिनेटेड वो पाकिस्तान से थे, पर वो यहाँ पैदल चल के पहाड़ों में उन्होंने साधना की थी, 35 साल की उम्र में आ गए थे वो यहाँ पे। वैसे अभी जहाँ उन्होंने उरी रीजन में साधना की थी वो पाकिस्तान होकर बैठ कश्मीर में है, फिर राजस्थान पास है, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे हमारे जो आर्मी जवान है उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जब उनकी डेथ हुई तब यहाँ के जो लोकल्स है उन्होंने उनको बांदीपुरा दफनाने के लिए ले जाना चाहा, बट जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे तब बीच रास्ते में मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया उन लोगों पे, तो फिर उन्होंने उनको यहीं दफना दिया और यहाँ सब अपने अपने धर्म की मान्यता के अकॉर्डिंग यहाँ उन्हें पूजने लग गए। यहाँ पे पहले तो जब एंटर करते हैं मंदिर में तो हिंदुओं का है, बाकी फिर अंदर बाबा की मजार भी बनी हुई है उनकी। तो ऐसा यार मैंने पहला मंदिर देखा है जिसके अंदर सेम मंदिर के अंदर आपको दोनों धर्म के आपको मिल जाएंगे। ये यार ये चीज हिंदुस्तान में देखने को मिल सकती है, ये बाहर कहीं ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। यार अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और हमारा गुरेज का सफर यहीं तक था। तो अभी हमने यार यहाँ होटल बुक कर लिया है जिसकी कॉस्टिंग हमें अराउंड 1500 पड़ी है फॉर 4 पर्संस। अभी यार हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम क्या फ्रेश वगैरह सब हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, क्योंकि दो दिन से हमने नहीं तो नहाए थे नहीं ब्रश किए थे, तो अभी थोड़ा फ्रेश हुए क्योंकि रास्ते में यार इतनी ज्यादा डस्ट उड़ रही थी क्योंकि पूरा रास्ता ऑफ रोड का था। तो अभी बस हम यहाँ से डिनर के लिए निकलेंगे सीधे, इसके बाद हमारा कल का प्लान एक्चुअली सोनमर्ग का है तो अर्ली मॉर्निंग उसके लिए निकलना पड़ेगा, तो उसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और बाकी तो यार इस वीडियो में इतना ही था, तो यार फिर मिलते हैं इसी कश्मीर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। तो फिर मिलते हैं इसी कश्मीर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।